तो भाई व्लॉग में आपका स्वागत है। हम चल रहे हैं सोनभद्र। लगभग उत्तर प्रदेश का 15% बिजली उत्पादन होता है। वैसे पहले हम चलेंगे रॉबर्टगंज। देश का एकमात्र ऐसा जिला है, मतलब भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। पहला तो पड़ गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक पड़ता है बिहार। ये देखिए सामने बीएचयू का गेट रहा। ये रही गंगा नदी। सो ये रहा भाई रामनगर का किला। ये है भाई शास्त्री चौक, शास्त्री चौक, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे तो शास्त्री जी का घर पड़ता है जहां पे जन्म हुए हैं। इधर ये भाई बंदरों से डर है ना, ठीक है। वो सामने वाला जो बंदा है वो बंदरों से डर रहा है। बंदर देखिए वहां बैठा है बंदर और वो उससे डर रहा है, बोल रहा है कि हमको पुल उस पार पहुंचा दीजिए। क्या हुआ? डॉक्टर आया था। अच्छा बैठा, छोड़ दे बैठा। अच्छा बैठा बैठा छोड़ दे तू। सो भाई हम अभी हैं रॉबर्टगंज में पहुंच, और विजयगढ़ का फोर्ट जो है तिलस्मी किला, चंद्रकांता का किला बोला जाता है। तो भाई हम लोग आ गए हैं गांव वाले रोड पे। अभी यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर फोर्ट है, वो कच्चा बांध है, कच्चा बांध इसको बोल लेते हैं यहाँ के लोकल लोग। अभी पक्के बांध पे चलते हैं। ये रहा तो भाई ये बांध पे आ गए हैं। देखिए वो सामने दिख रहा है कच्चा बांध, ठीक है। वो सामने सिंचाई के लिए बना है। ये सब क्या है? ये सब देखिए खोलने के लिए है भाई। सो भाई ये रहा बांध, ठीक है। इधर से तो पूरा नहीं जा पाएंगे, बाइक नहीं जा पाएगी, बट अभी बाइक से आते हैं वहां पे, उस पहाड़ पे चलते, फिर वहां से पूरा व्यू दिखाते हैं बांध का। चलो देख, दिख रहा है बांध, वो रहा डैम धदरौला बांध। चार्ट है और ये पहाड़ भी से पड़ता है, ये बांध है, यहाँ से पानी खुलता है। और आई थिंक पहाड़ भी, पहाड़ पर ही किला है शायद। हाँ किला पे। अच्छा भाई बहुत खराब रोड, बहुत ही खराब। बहुत ही डरावने प्लेस पे जा रहे हैं हम लोग। इन जंगलों में है किला। चढ़ के जाना होगा बेहतरी की। चलते हैं ऊपर, सीढ़ियाँ से चल, सीढ़ियाँ से जाना पड़ता है किले में। और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्टगंज में, रॉबर्टगंज से इसकी दूरी है लगभग 17-25 किलोमीटर। इसको विजयगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। अच्छा दिखता भाई, इतने ऊपर पत्थर लाए कैसे होंगे?
बनाए कैसे होंगे। ये मेन द्वार नहीं बोलते, मेन द्वार दूसरा है। ठीक है, द्वार को आइए दिखाते अच्छे से। अभी हम खड़े भाई यहाँ पे, देखिए व्यू। भाई इतनी प्राचीन 1040 ईस्वी का ये है किला, और इसको इतना जर्जर पड़ा है। जब ये रहा मंदिर सामने, तिलस्मी किला। देख रहे हैं जर्जर पड़ा हुआ है सब। भाई राष्ट्र का धरोहर, इसको संभाल कर रखा जाए चाहिए। यहाँ के रूम हमें लगता है, हाँ रूम है यहाँ के। सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री देखे बस। खंडहर हो गया भाई। इसमें हमें लगता है भाई पानी इकट्ठा होता होगा बरसात के सीजन में। ये मेन दरवाजा लग रहा है, नहीं मेन दरवाजा नहीं, चलते अंदर थोड़ा इसके। भाई सब जगह जर्जर ही पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा इसमें, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो भाई वो लंगूर पड़ा है सामने पेड़ पे, अब अपने को भाई यहाँ बहुत सारे लंगूर हैं। भाई डर लग रहा है लंगूरों से। और यहाँ देखो पेड़ पे देख रहे हैं भाई, अरे बाप रे बाप, इधर भी है एक बैठा, देख लीजिए। होगा तो उधर इस बाउंड्री पकड़ पकड़ के निकल चलेंगे भाई। एक इधर से रास्ता है भाई, और एक जिधर से हम आ रहे हैं उधर से। तो ये रहा मेन डोर, ये देख रहा है यही मेन डोर है ना, मेन दरवाजा है विजयगढ़ दुर्ग, यही है मेन दरवाजा। सो भाई हम हैं विजयगढ़ दुर्ग फोर्ट के मेन गेट पे। ये हमें लगता है सैनिकों को बैठने के लिए था। मेन डोर पे सोचे कि कोई इंसेंट चीज मिले तो बस, पत्थर और ये आजकल के बंदर। अब जो नजारा देखने जा रहे हैं, आप ऐसा सोचेंगे कि हम उत्तराखंड में हैं। ठीक है, देखिए देख रहे हैं कितनी खाई है। इसे बंदर मिल गया, इधर से चलना रिस्क लग रहा है यार, चलो उधर से चलते हैं। देख रहे हो आप, ये रूम है छोटा छोटा। फाइनली आ गए, व्लॉग करते खत्म हो, चलते हैं वेलोरिक।